हाय फ्रेंड्स, डेलिकेसीज ऑन द प्लेट में आपका स्वागत है। आज मैं हरे लहसुन और हरे मिर्ची का अचार बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम हरे लहसुन लिया हुआ है और 250 ग्राम हरी मिर्च ली हुई है। दोनों ही धोकर साफ कर ली गई है और अच्छी तरह इसको सुखा लिया गया है। हरे लहसुन को मैं छोटे टुकड़ों में काट के रख लूँगी और हरी मिर्च को मैं थोड़ा सा भून लूँगी ताकि थोड़ा सा वो अपना मॉइस्चर उसमें से निकल जाए, सो इससे अचार की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है और अचार ज़्यादा दिन तक ठहरता है। कढ़ाई गरम करके मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है और अब इसे 3 से 4 मिनट तक मैं भून लूँगी लो मीडियम हीट पर। अब इसे मैं लगातार चलाते रहूँगी ताकि हरी मिर्च जले नहीं। और याद रखिए, हर एक मिर्च फ्रेश होनी चाहिए। अगर एक भी मिर्च इसमें से ख़राब हुई तो अचार ख़राब हो सकता है। अब मिर्च अच्छी तरह भून गई है तो मैं अब इसे प्लेट में निकाल दूंगी ताकि ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हरी मिर्च है और लहसुन को भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हरी मिर्च को भी मैं छोटे टुकड़ों में काट कर ग्राइंडर में डालूंगी और अब मैं इसे सूखा ही पीस लूंगी। तो थोड़े से हरे मिर्च के बाद थोड़े से लहसुन के टुकड़े डालिए। अब आप देख सकते हैं कि एक पल्स के बाद इस तरह की कंसिस्टेंसी मिली है मुझे। तो मैं इसे एक बार टॉस करके एक बार चलाकर फिर से पीसूंगी। फाइनली मुझे इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। अब ये पीसा हुआ हरे मिर्च और हरे लहसुन को मैं मिक्सिंग बोल में डालूंगी और इसी तरह सारे हरे मिर्च और हरे लहसुन को ग्राइंड कर लूंगी। मिक्सिंग बोल में डालने के बाद मैं इसमें करीब 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी और इसमें मैंने करीब 250 ग्राम अमचूर पाउडर डाल दिया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है इस अचार के लिए। ये मिर्च के तीखेपन को बैलेंस करता है। तो अगर आप 500 ग्राम हरी मिर्च यूज़ कर रहे हैं तो आप 500 ग्राम आमचूर पाउडर डालिए और इसमें मैंने करीब 100 ग्राम नमक डाल दिया है जो कि करीब 7 टेबलस्पून होगा और मस्टर्ड ऑयल जो कि राई का तेल है इसमें मैंने डाल दिया है जो करीब 500 ml होगा। ये अचार काफ़ी तेल सोखता है तो अच्छी मात्रा में तेल डालिए। अब इसे अच्छी तरह मिला लीजिए। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आपको ये अचार ज़रूर पसंद आएगा। आप तेल को थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालिए ताकि आप अच्छी तरह मिक्स कर सकें। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसे ग्लास कंटेनर में भर के रख दीजिए और इसे आप महीनों तक रख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हरे लहसुन और हरे मिर्च का अचार तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए।